नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M21 versus Tecno Camon 17 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M21 में 6.26 इंच जबकि Camon 17 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M21 में 2.96 इंच जबकि Camon 17 में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M21 में 192 ग्राम्स जबकि Camon 17 में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy M21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M21 में सुपर AMOLED जबकि Camon 17 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy M21 में 19:5:9 जबकि Camon 17 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M21 में 6.4 इंचेस जबकि Camon 17 में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M21 में 1080x2340 और Camon 17 में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M21 में 84.02% जबकि Camon 17 में 87.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M21 में 403 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 17 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 17 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M21 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Camon 17 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Camon 17 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M21 में Mali G72 MP3 जबकि Camon 17 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M21 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Camon 17 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M21 में 4GB जबकि Camon 17 में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M21 में 64GB जबकि Camon 17 में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M21 में 6000mAh जबकि Camon 17 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M21 में 2 कलर्स जबकि Camon 17 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M21 की 12,499 रुपीस जबकि Camon 17 की 12,999 रुपीस प्राइस है, जो कि Galaxy M21 से ज्यादा है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M21 आगे है, मेन कैमरा में कैमन 17 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में कैमन 17 आगे है, इंटरनल मेमोरी में कैमन 17 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। तीसरा है जो कि 9,649 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 30 है जो कि 12,499 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।